जनपद संभल के चंदौसी में सीता रोड पर स्थित झुन्नीलाल धर्मशाला में भारत सरकार के आम बजट 2021-22 के समर्थन में आज सीता रोड स्थित झुन्नीलाल धर्मशाला में जिला प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जल शक्ति एवं सिंचाई राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलक, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी चौधरी त्रिवेंद्र सिंह ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामादास मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का आम बजट पेश किया गया है, जिसमें लोक कल्याणकारी सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, रेलवे आदि क्षेत्र में की गई घोषणाएं सराहनीय हैं। सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास की सोच के साथ हर वर्ग को लाभ हो रहा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बनाकर विश्व स्तर पर अलग पहचान बनाई है। इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए नरेंद्र मोदी की सूझबूझ का लोहा अन्य देश भी मानते हैं। हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जो हर किसी की चिंता करते हैं। कार्यक्रम संयोजक मनोज कटेरिया एडवोकेट ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खडकवक्षी ने तथा संचालन जिला महामंत्री कमल कुमार एवं जिला उपाध्यक्ष मनोज कटेरिया एडवोकेट ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी को पीपीएफ दे दिया गया है और उसमें ट्रेनिंग भी चल रही है और उनको जिनको सीखना है उनको सिखाया भी जा रहा है। सरकार की इच्छा है कि पेपरलेस करके और कंप्यूटर पे ही अपने जो प्रीपेड का वो है उस पर उसको काम करने के लिए सारे मंत्रालयों को उन्होंने किया। दूसरा, ये चूँकि पंचायत चुनाव नज़दीक है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है और क्या बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी पंचायत चुनाव? नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है, तिथि आने वाली है। अभी खाली रिजर्वेशन का चार्ट आया है कि किस तरह से जिला पंचायत डिक्लेयर हो गया, कैसे ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के मेंबर्स, प्रधान, BDC का अभी रिजर्वेशन होने वाला है और उसके बाद चुनाव होगा। जहाँ तक सिंबल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जिला पंचायत के घोषित जिला पंचायत के मेंबर रहते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहता है, प्रमुख रहते हैं और यही, बाकी तो सिंबल का जो है सिंबल का प्रयोग नहीं, पार्टी समर्पित लोग सिंबल पर नहीं मिलेंगे। नहीं, सिंबल पे पहले भी नहीं कभी चुनाव हुआ और सिंबल पे अब। मुख्यमंत्री जी, जो केंद्र सरकार का बजट आया है, अब यूपी सरकार का बजट आने को है, तो यूपी बजट के में जनता को क्या राहत मिलेगी? देखिए, जो केंद्र सरकार का बजट है आत्मनिर्भर भारत के लिए समावेशी बजट, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, वो एक सारी बहुत बड़ी उपलब्धि और इस साल जो 2021 का था महामारी को देखते हुए ऐसा बजट, एक ऐतिहासिक बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है और ये देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, लोगों को जीवन में खुशहालियाँ लाने का काम करेगा और ये सभी वर्गों का समावेशी बनाकर इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने का काम करेगा। यूपी बजट में जनता को क्या राहत मिलेगी? यूपी का बजट 22 तारीख को आने वाला है और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा बजट लेके माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक बजट उत्तर प्रदेश का भी बजट रहेगा। आम जनता को क्या मिल पाए, क्या मिलेगा उसमें? मैंने कहा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी जिसमें आम जनता को नहीं मिले। आम जनता को तो माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी में भी सब लोगों को सारा सम्मान दिया गया, उनको खाना पीना रहना साधन पूरे तरह उनको काम और सम्मान दोनों दिए गए हैं और आगे भी इस बजट को देखते हुए बहुत अच्छा बजट रहेगा। मंत्री, किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर के और लगातार वहाँ पंचायतें शुरू हो गई हैं,
तो प्रदेश स्तर पे किसानों के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है महापंचायत को देखते हुए या किसानों के आंदोलन को देखते हुए? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई भी है।